हैचेस की जरूरत नहीं, क्योंकि हैचेस जो है वो सेक्शन के लिए रहते हैं, और सिंबल जो है जो आपको अगर 2D ड्राइंग बना रहे हो उधर कुछ टैपिंग का सिंबल दिखाना है, होल का सिंबल दिखाना है, तो आप यहाँ से वो दिखा सकते हो, लेकिन उसका हम इसको कंसिडर नहीं करते। अभी हम देखेंगे मूव के कमांड्स। मूव्स में क्या है, ये अलग अलग कमांड्स हैं, उसमें हम वो सीखने के लिए हम मॉडल को ऑन करेंगे। अभी ये मॉडल है, यहाँ पे पहला कमांड मूव सिलेक्ट करते हुए क्या पूछता है, सिलेक्ट एंटिटी टू ट्रांसलेट। मैंने सिलेक्ट किया मॉडल, राइट क्लिक, बेस पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैं कॉमा सेंटर से मूव कर रहा हूँ, कॉमा एंटर, उसके बाद सेकंड वैल्यू मैंने बताया उसको RX 200, एंटर, वो क्या हो गया 200 मूव हो गया। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, कॉमा एंटर, RY 150, एंटर, तो वो क्या हो गया वाई में मूव हो गया। सेम अगर आप जेड में वैल्यू देंगे तो जेड में भी मूव हो जाएगा। उसके बाद 2D रोटेशन मूव, इसको मैं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट द मॉडल, राइट क्लिक, सेंटर ऑफ रोटेशन, कॉमा एंटर, मैं सेंटर से दिया तो वो क्या करेगा सेंटर से घूमेगा, मान लीजिए मैंने 180 डिग्री दिया, एंटर किया तो वो 180 डिग्री घूम जाएगा। और अगर मैं उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक ये पॉइंट देता हूँ, फिर अगर देता हूँ डिग्री, तो उस पॉइंट से रोटेट होगा, मान लीजिए मैंने 90 दिया तो उस पॉइंट के हिसाब से वो रोटेट होगा। तो ये है 2D रोटेशन। उसके बाद आता है 3D रोटेशन मूव, ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट एंटिटी टू रोटेट, सिलेक्ट मॉडल, राइट क्लिक, अभी ये पूछता है स्टार्ट पॉइंट ऑफ रोटेशनल एक्सिस, मतलब ये एक्सिस से रोटेट होने वाला है, तो मैंने उसको ए एक्सिस दिया, एक स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ऐसे दिया, और उसके बाद बताया 180 डिग्री, एंटर, तो वो क्या करेगा उस एक्सिस को रोटेट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं सेम कमांड यूज करके अलग एक्सेस देता हूँ, सिलेक्ट द मॉडल, राइट क्लिक, अभी ये एक्सेस है, सॉरी, सिलेक्ट द मॉडल, राइट क्लिक, वन पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, उसके बाद अगर मैं डिग्री देता हूँ तो अगेन वो उस पॉइंट से एक्सेस से रोटेट हो जाएगा। उसके बाद आता है 2D मिरर मूव, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट द मॉडल, राइट क्लिक, स्टार्ट पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, वो क्या करेगा मिरर एक्सिस से मिरर कर देगा। अगेन अगर मैं उसको सिलेक्ट मॉडल, राइट क्लिक, ये मिरर एक्सिस देता हूँ तो उस मिरर एक्सिस के हिसाब से मिरर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं ये कमांड यूज़ करके 3D मिरर मूव लेता हूँ, सिलेक्ट, सिलेक्ट द मॉडल, राइट क्लिक, ये मिरर प्लेन पूछता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर प्लेन, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर प्लेन, थर्ड पॉइंट ऑफ मिरर प्लेन, तो जगह पे उसको मिरर कर देगा, लेकिन पोर टू कैविटी जैसा हो जाएगा ऐसा, ये प्लेन से मिरर हो गया। उसके बाद स्केल मूव, अब स्केल मूव कैसा है आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना है 125, अभी मैं स्केल कॉपी ले रहा हूँ, स्केल मूव लेता हूँ, सिलेक्ट, सिलेक्ट द मॉडल, राइट क्लिक, स्केल ओरिजिन, कॉमा एंटर, स्केलिंग फैक्टर कितना बढ़ाना है, अभी मान लीजिए मुझे 125 को 1% बढ़ाना है, तो वो कितना हो जाएगा 1.25 ऐड हो जाएगा उसमें, मतलब 126.25, तो 1% बढ़ाने के लिए मुझे 1.01 देना जरूरी है, जब मैं 1.01 देता हूँ और एंटर करता हूँ तो वो स्केलिंग हो जाएगा। अगर वही अगर मैं 01 माइनस कर देता तो 1.25 निकल जाएगा, तो 123.75 आ जाएगा। जैसे सिलेक्ट द मॉडल, राइट क्लिक, कॉमा एंटर, अभी 0.99 एंटर, तो 123.75, तो आपको समझ में 1% के लिए 1.01, तो उस हिसाब से आपको जितना भी परसेंट बढ़ाना है उस हिसाब से आप उसको कर सकते हो। उसके बाद आता है 3D स्केल मूव, ये आप जब सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट द मॉडल, राइट क्लिक, ओरिजिन, कॉमा एंटर, उसके बाद आप उसको इंडिविजुअली हर एक एक्सिस को अलग अलग दे सकते हो, जैसे मैंने इसको 1.5 दिया, इसको 2 दिया, और इसको 0.9 दे दिया, ओके,
तो जो मैंने वैल्यू दिया उस हिसाब से वो कम हो जाएगा, जेड में वो कम हो जाएगा और एक्स वाई में बढ़ जाएगा, जितना भी परसेंटेज मैंने दिया उस हिसाब से। तो ये ऑप्शन है 3D मिरर, 3D मूव स्केल वाला। उसके बाद आता है अलाइन मूव। मान लीजिए अलाइन मूव कैसा काम करता है, मान लीजिए कस्टमर ने जो जॉब भेजा आपको वो समथिंग ऐसा आया है कि आपको खुद पता नहीं है उसका वैल्यू क्या है और 2 डिग्री में रोटेट है। अगर वो 2 एंगल में अगर रोटेट है तो वो ढूंढना हमें बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि इसका एंगल क्या होगा और उसको अलाइन कैसे करें। स्ट्रेट करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि उसका एंगल चेक करना पड़ता है और फिर वो 2 अलग अलग एंगल में मूव करना पड़ता है। लेकिन वर्किंग से में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ उसको सीधा लाइन डाल दीजिए, एक वी दबा के सीधा दे दीजिए, अगेन इसका एंड पॉइंट लेके एच दबा के हॉरिजॉन्टल दे दीजिए। अभी वो कमांड लेनी है आपको अलाइन मूव, सिलेक्ट द मॉडल, राइट क्लिक। अभी फर्स्ट सोर्स पॉइंट, अभी मैं क्या करता हूँ, एक कॉर्नर को उसके कॉर्नर के साथ मैच करता हूँ। फर्स्ट सोर्स पॉइंट, फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट ऑन लाइन, सेकंड सोर्स पॉइंट, सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट, थर्ड सोर्स पॉइंट, थर्ड डेस्टिनेशन पॉइंट। इस तरीके से वो क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। तो इस इजी वे से आप उसको स्ट्रेट कर सकते हो, आपको ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं है, जो भी डिग्री आए उसकी। क्लियर है आपको ये कमांड्स? ठीक। अगेन ये कमांड जो है वो वही कमांड्स है सभी, सिर्फ इसमें क्या हो जाता है, एक कॉपी हो जाता है। मान लीजिए सिलेक्ट किया मैं, इसको अंडू कर लेता, बोले सिलेक्ट मॉडल, राइट क्लिक, बेस पॉइंट कॉमा, इंटर, RX 200, एंटर। अभी कॉपी बोला मैंने, 5 कॉपी दे दिया इधर, एंटर। वो क्या करेगा, उसे 5 कॉपी दे देगा। लेकिन सिलेक्ट किया आपने इसको, राइट क्लिक कॉमा, इंटर, RY 100, 5 कॉपीज, तो 100 mm से मूव होके वो कॉपी दे देगा। तो इस तरीके से आप उसको कॉपी मूव यूज कर सकते हैं। तो सेम कमांड सिर्फ आपको वो कॉपी करके देगा, ओरिजिनल वैसे ही रखेगा। इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट मॉडल, राइट क्लिक, बेस पॉइंट कॉमा, एंटर। अभी सेकंड पॉइंट, ये देखिए आप एक तो वैल्यू दे सकते हैं या फिर पॉइंट, जैसे मैंने वैल्यू दिया RX 200, एंटर। अभी देखिए अगेन वो आपको पूछेगा वैल्यू, आप वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते जा सकते हैं इसमें, इस तरीके से 1 2। क्लियर है आपको मूव तक का कमांड्स?